10.2 बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर एक देखो क्या है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष एवं तीनों भुजाएं भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद ज्ञात कीजिए। देखो दो दे रखे हैं आपके, एक तो दे रखे तीनों शीर्ष, एक तो तीनों शीर्षों से समदूरस्थ और तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद हमें करना है ज्ञात। यानी सेम प्रमेय नंबर 10.3 और प्रमेय नंबर 10.4 की तरह पहले तो करना है तीनों शीर्षों से बताना है तीनों शीर्षों का बिंदु पद कहाँ होगा, फिर बताना है तीनों भुजाओं का बिंदु पद कहाँ होगा, ये बताना है। पहले शीर्षों का कर लो फिर बाद में भुजाओं का करना है। देखो पहले तो बनाना है त्रिभुज, पहले तो बनाओ त्रिभुज, ये बनाना है त्रिभुज, नाम दे दो कोई भी, ए बी और सी। किसका करना है? शीर्षों का। शीर्ष मतलब क्या होते हैं? कोणे। ये शीर्ष और ये शीर्ष, इसका करना है इससे इससे और इससे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद हमें करना है ज्ञात। शीर्ष मतलब कोण हो गए, कोने हो गए। तो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है, बताओ क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है, बताओ क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में तीन शीर्ष, बताओ तीन शीर्ष कौन कौन से हैं, ए है बी है और सी है। हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है, कि तीनों शीर्षों का बिंदु पद क्या करना है, ए बी सी से ए बी व सी से समदूरस्थ समदूरस्थ बिंदु पद करना है हमें ज्ञात, बिंदु का बिंदु पद। अब बिंदु पद ये करना है हमें ज्ञात, अब ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले तो क्या है आपके, सबसे पहले देखो बताया हुआ है आपको क्या, शीर्षों का मतलब कोणों का करना है। अब देखो हमें क्या करना होता है बिंदु पद के लिए, इसका करना है जैसे बी का, इस कोण बी का क्या करते हैं, समद्विभाजन, क्या करते हैं, समद्विभाजन करते हैं इसे, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है आपके बराबर। नाम दे दो, नाम दे दो एल, कोई सा नाम दे दो एल, एल जो रेखा है कोण बी का क्या कर रही है, समद्विभाजन। देखो उत्पत्ति में ध्यान, उत्पत्ति में क्या कहना है, देखो रेखा का नाम क्या है एल, क्या रेखा है एल रेखा, एल रेखा कोण बी का क्या कर रही है, कोण बी का करती है समद्विभाजन, कोण बी का हो रहा है यहाँ पर समद्विभाजन। अब देखो कोण बी का क्या हो रहा है, समद्विभाजन, अब समद्विभाजन हो रहा है तो इस लाइन पर कहीं भी बिंदु ले लो, यहाँ ले लो यहाँ ले लो यहाँ ले लो, पता ये बिंदु अगर इधर 90 डिग्री का कोण बनाता है और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाता है तो क्या होता है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होता है इसका बराबर होता है, क्या होता है बराबर, मतलब जो ये कोण है बी इसका बिंदु पद कौन है, एल रेखा है, कौन सी रेखा है, क्या लिखेंगे कोण बी का बिंदु पद, कोण बी का बिंदु पद कौन सी रेखा है, कोण बी का बिंदु पद है आपके एल रेखा है, मतलब जो ये कोण बी है इसका बिंदु पद कौन हो गया, एल रेखा हो गया। अब इसी प्रकार देखो कहां लेंगे हम, सी पर लेंगे, क्या करेंगे सी का भी करेंगे हम समद्विभाजन, सी का भी क्या करेंगे, नाम दे दो कोई सी भी एल एम दे दो, एम दे दो, बताओ कौन कौन सी का समद्विभाजन कौन कर रही है, कौन सी रेखा कर रही है, एम रेखा, क्या लिखेंगे एम रेखा कौन सी का क्या करती है, समद्विभाजन करती है, कौन सी का समद्विभाजन करती है, कर दिया, कौन सी रेखा करती है एम, तो जैसे मान लो इसका समद्विभाजन करती है तो इस रेखा पर कहीं भी बिंदु ले लो, यहाँ ले लो यहाँ ले लो, इसकी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या रहेगी हमेशा बराबर, मतलब जो इस कोण बी का जो बिंदु पद आएगा वो हमेशा कौन सी रेखा पर आएगा, एम रेखा पर, क्या लिखेंगे कोण सी का बिंदु पद, बताओ कौन सी रेखा है, कोण सी का बिंदु पद है आपके एम रेखा पर है, ऐसे देखो एम रेखा पर है, जैसे लिखना है यहाँ पर एल रेखा पर है, ठीक है ना, रेखा पर है कोई बात नहीं। अब देखो अब इसी प्रकार कौन से कोण में करना है, ए पर, ए का भी क्या करना है हमें समद्विभाजन, ए का भी क्या करना है समद्विभाजन करना है, ए का भी करो समद्विभाजन, ये समद्विभाजन कर दिया, तो
तो देखो एक का समझी बात क्या, मान लो यहाँ एल एम क्या नाम दे दो, एल दे दो, कोण बी का क्या हो रहा है समझी बात, कौन कर रही है एन रेखा, तो इस जो कोण बी का बिंदु कोण ए का बिंदु पर है बताओ कहाँ कौन है एन है, हम डायरेक्ट लिखेंगे अभी क्या क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार मतलब कौन सी रेखा है एन रेखा, एन रेखा क्या करती है कोण ए, एन रेखा क्या लिखेंगे मतलब सॉरी ऐसे लिखो ऐसे डायरेक्ट लिखो कोण ए का बिंदुपथ, बताओ कोण ए का बिंदुपथ क्या है एन रेखा पर है, अब देखो कोण बी का बिंदुपथ एल रेखा, कोण सी का बिंदुपथ एम रेखा और कोण ए का बिंदुपथ क्या है एन रेखा, और तीनों कहां जाकर मिल रही है इस बिंदु पर, जिसका क्या नाम दे देंगे यहां से लगाकर यहां तक ये दूरी, यहां से लगाकर यहां तक ये दूरी और यहां से लगाकर यहां तक ये दूरी क्या है आपके बराबर बराबर है, अब देखो इसके अलावा देखो यहां पर भी कितने डिग्री कोण बन रहा है, यहां पर भी कितने डिग्री कोण बन रहा है और यहां पर भी कितने डिग्री कोण बन रहा है 90 डिग्री कोण बन रहा है, सॉरी ये वाले बराबर नहीं है, ये और ये क्या है आपके बराबर, ये और ये क्या है आपके ये नहीं है बराबर, ये वाली बराबर है क्योंकि यहां पर देखो क्या कोण का समद्विबाहन हो रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है बराबर, यहाँ कहीं पे भी बिंदु ले लो तो ये और ये क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा तो बताओ वर्त कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा अंदर बनेगा, बाहर बनेगा अंदर बनेगा, बाहर कहाँ से देखो ये क्या हो गए त्रिज्या, ये भी क्या हो गए त्रिज्या और ये भी क्या हो गए, तो आपके वर्त किधर बन जाएगा, वर्त बन जाएगा अंदर की तरफ, जब कोणों का समद्विबाहन करते तो अंदर कहाँ बनता है अंदर, और जब भुजाओं का करते तो बाहर बनता है, तो देखो बताओ तीनों का नाम लिख दो, ए बी सी का बिंदुपथ कहाँ है, ए बी व सी का बिंदुपथ कहाँ है बताओ, बिंदुपथ कौन सा बिंदु है ओ है, जिसे क्या बोलेंगे बताओ कौन सा केंद्र बोलेंगे अंत केंद्र बोलेंगे, कौन सा केंद्र बोलेंगे अंत केंद्र, जैसा हमने इस कोणों का किया वैसा ही किसका करना है भुजाओं का करना है, देखो पहले तो क्या हमने शीर्षों का अब किसका करना है भुजाओं का करना है, पहले तो वही त्रिभुज बना, ये बनाया त्रिभुज नाम है ए बी और दिया हुआ सिद्ध के नए पहले लिखी थी लिखने जरूरत है, डायरेक्ट क्या लिखो उपपत्ति, देखो यहाँ उपपत्ति में देखो क्या करना है आपको, देखो पहले तो क्या हमने कोणों का आधा अब किसका आधा करना है भुजाओं का, क्या करेंगे प्रकार लेंगे आधे से अधिक नाप करेंगे चाप, आधे से अधिक माप लेंगे, एक चाप इधर काटेंगे और एक चाप इधर, अब यहाँ रखेंगे एक इधर और एक इधर, और यहाँ से एक लाइन आएगी तो यहाँ कितने डिग्री कोण बना देगी ऑटोमेटिक 90 डिग्री का और दो बराबर भागों में भी बांट देगी, तो देखो नाम दे दो इसको कोई भी नाम दे दो, एल ही दे दो, एल नाम दे दो, बताओ बीसी का क्या किया हमने समद्विभाजन, क्या किया क्या लिखेंगे भुजा बीसी का समद्विभाजन, समद्विभाजन करने पर कौन सी भुजा का समद्विभाजन किया बीसी का, अब जैसे बीसी का समद्विभाजन किया तो देखो ये इसका समद्विभाजन कौन सी रेखा कर रही है एल रेखा, बीसी का हमने क्या कर दिया समद्विभाजन कर दिया कौन सी रेखा द्वारा एल रेखा द्वारा, तो देखो क्या करेंगे जैसे अब कौन सी रेखा करिए इसका समद्विभाजन, क्या ऐसे दूसरी वाली का भी समद्विभाजन कर लो, ऐसी का भी समद्विभाजन कर लो, तो देखो क्या लिखेंगे कौन सी भुजा करिए इसका समद्विभाजन, तो बीसी का बिंदुपथ, ऐसे लिखो बिंदुपथ कौन सी रेखा पर आएगा एल रेखा पर, कौन सी रेखा पर एल रेखा पर होगा, पर होगा या पर हाँ ऐसे लिखो पर होगा, इसी प्रकार ये जो ऐसी लाइन है इसका भी क्या करेंगे समद्विभाजन, यहाँ प्रकार रखेंगे आधे से नाप भरेंगे एक चाप इधर एक चाप इधर, प्रकार को यहाँ रखेंगे एक चाप इधर और एक चाप इधर, और इसका भी क्या कर देंगे समद्विभाजन, बताओ लाइन नाम दे दो यहाँ दे दो एम दे दो, ठीक है बताओ क्या किया भुजा क्या नाम है एसी, एसी का क्या कर दिया हमने समद्विभाजन, क्या कर दिया समद्विभाजन करने पर समद्विभाजन कर दिया,
तो बताओ ये जो ए सी भुजा है उसका बिंदु पर कहाँ आएगा? एम बिंदु पर आएगा, एम रेखा पर आएगा, क्या लिखेंगे? बी सी का नाम ए सी है, ए सी का बिंदु पथ, बिंदु पथ एम रेखा पर होगा। इसी प्रकार कौन सी लाइन का भी करेंगे? एबी का। एबी का करेंगे, बताओ ये हो गई एबी का, करो ये एबी का, या एल क्या नाम दे दो, एल दे दो। इसी प्रकार हमने किसका संधिवादन किया? एबी का। तो क्या लिखो? इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या लिखोगे? क्या नाम है? एबी, एबी संधिवादन करने में लिखना एबी का बिंदु पर, बताओ कहां पर होगा? एल रेखा पर होगा। अब देखो प्रमेय नंबर 10.1 का विलोम क्या बताया था, जब इसका संधिवादन करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगी आपके, और यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा? जब कि देखो त्रिभुज ये बताया था, अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ से कोई लाइन आएगी 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी और इसको इसको बराबर भी काटेगी। इसी प्रकार ये दोनों बराबर और यहाँ 90 डिग्री कोण, तो ये और ये भी क्या हो गया आपके, देखो यहाँ से ये 90 डिग्री कोण, वो बिंदु है यहाँ जो तीनों बिंदु मिल रहे हैं, इसका क्या नाम दे देंगे? ओ, कोई ओ दे दो, मर्जी है जो दे दो। तो देखो इस बिंदु से ये लाइन जाएगी और ये लाइन जाएगी, ये और ये क्या हो जाएगी आपके बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर, यहाँ कितने डिग्री कोण बन रहा है? 10.1 का विलोम। इसी प्रकार ये इसमें देखो यहाँ कितने डिग्री कोण? 90 डिग्री, ये और ये क्या है आपके बराबर, ये और इधर कोई लाइन जाएगी तो ये और ये भी क्या हो जाएगी आपके बराबर, ये और ये तीनों बराबर, बताओ वर्ष कहाँ बनेगा? वर्ष बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे कौन सा केंद्र बोलेंगे, जिसे बोलेंगे परिकेंद्र, कौन सा केंद्र बोलेंगे? अब देखो बीसी का बिंदु पथ कौन सी रेखा पर है? एल। एसी का बिंदु पथ कौन सी रेखा पर है? एबी का बिंदु पथ कौन सी रेखा पर है? तीनों का एक साथ लिखो, कहाँ पर? ओ पर। क्या लिखोगे? एबी लाइन का नाम, दूसरी का नाम बीसी, और तीसरे का नाम क्या नाम है? एसी का बिंदु पथ, एक एसी से समदूरस्थ, समदूरस्थ बिंदु पथ, समदूरस्थ बिंदु पथ, बताओ कहाँ पर होगा? ओ होगा, जिसे क्या कहेंगे? जिसे कहेंगे हम परिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज एबीसी में मध्यिकाएं, एक त्रिभुज है एबीसी, पहले त्रिभुज बनाओ, पहले तो बनाना है एक त्रिभुज, नाम है आपके ए बी और सी, में मध्यिकाएं, एक मध्यिका नाम है एडी, दूसरी मध्यिका नाम है बी और तीसरी मध्यिका का नाम है सीएफ, ये तो हो गए आपके एडी, ये हो गए आपके BE और ये हो गए आपके CF, थोड़ा सा ऊपर बना दो, ये हो गए आपके CF, तीन मध्यिकाएं हैं, एक का नाम है AD, एक का नाम है BE और एक का नाम है CF, जो G बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, तीनों मध्यिकाएं कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है? G बिंदु पर, जो तीनों का क्या है आपके बिंदु पथ, क्या हो बिंदु पथ तो नहीं, संगामी बिंदु है जहां पर मिलती है। अब आगे एडी एजी, एजी कहां से? ये एजी यहां से तक, यहां तक कितनी है? 6 सेमी। ये वाली लाइन कितनी है आपके? 6 सेमी। आगे बीई कहां है? बीई ये पूरी बीई यहां से लगाकर यहां तक पूरी, ये तो बाहर लिख दो, बीई बराबर कितनी है? 9 सेमी। और आगे जीएफ कहां है? जीएफ बताओ, ये रही जीएफ, यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितनी आपके? 4.5 सेमी। हो तो याद करो जीटी कहाँ है? जीटी ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, जीटी का मान याद करना है, बीजी कहाँ है? बीजी ये रही बीजी। अब सीएफ कहाँ है? सीएफ ये पूरी लाइन हमें करनी है, अब देखो याद करनी है, बताया था अभी प्रमेय नंबर 10.6 क्या बताया था, ये वाला जो बिंदु है इसको कितने अनुपात में बांटता है? 2:1 में बांटता है। अब देखो उपस्थिति ध्यान देना,
दिया हुआ में कुछ नहीं है, जिधर याद करना है लिख देना, और तो दिया हुआ है इसमें सब ऊपर तीरे तो ध्यान दो। अब क्या करना है, ये वाली लाइन को देखो, पहले पहले क्या याद करने में जी डी, देखो ये वाले एच जी बटा क्या हो जाएगा डी जी, क्या हो जाएगा एच जी बटा डी जी, और अनुपात कितना होता है 2:1। अभी बताए कारण क्या लिखोगे, पर में नंबर 10.6 से हो गया। अब देखो एच जी बताओ, एच जी कितनी दे रखी है, एच जी कितनी दे रखी है, यहाँ से लगा यहाँ से कितनी है 6। एच जी क्या कितना लिखेंगे 6/DG बराबर 2/A क्रॉस मल्टीप्लाई, एक को तो इससे और दो को इससे करो क्या हो जाएगा 2DG बराबर कितना गुणा है तो DG बराबर 6/2 DG बराबर कितनी आ गई एक उत्तर तो आ गया अपना DG। ये वाली लाइन है देखो, GT कहो DG कहो बात एक ही है, आना उल्टा सीधा आप लिख सकते हो, यहाँ GD लिख दो, यहाँ आपको सवाल में GD दिया हुआ है तो GD लिख दो, अरे एक ही बात है आप कैसे लिखो। आप देखो एक तो मिल गई, दूसरी कौन सी याद करनी है BG, अब BG किधर है बताओ, BG किधर है, ये रही BG यानी BG, अब यहाँ भी बताओ BG दे रखी है, देखो तो क्या लिए पूरी लाइन, देखो क्या हो गया बी, ये यहाँ से लगा कर याद तो क्या है BG बटा इधर क्या नाम है जी या EG लिखो EG बराबर अनुपात कितना होता है 2:1। ये भी क्या कारण है, प्रमेय नंबर 10.6 से। आप देखो हमें क्या याद करनी है, हमें BG याद करनी है, ये रही BG। अब EG देखो, EG दे रखी है क्या, हमें नहीं दे रखी है, कौन सी दे रखी है BE दे रखी है, कौन सी दे रखी है BE, ये पूरी दे रखी है। आप देखो इसको हम चेंज करके लिखेंगे, चेंज क्या करके लिखेंगे BE, ये जो पूरी लाइन है मतलब ये अनुपात कितना 2 और ये अनुपात कितना 1, हमें ज्ञात क्या करनी है, ज्ञात करनी है BG, BG को जैसा ही रहने देंगे, EG को क्या करेंगे हटाएंगे, EG को हटाएंगे और EG की जो क्या लिखेंगे BE लिखेंगे पूरी, क्योंकि हमें दे रखी है BE, यहाँ क्या लिख दूंगा मैं BE, अगर हमने वो हटाई कौन हटाई EG हटाए, EG की जगह कौन लिखी BE, तो EG का मान भी हटेगा और किसका मान लिखेगा BG का, तो ये 2 और ये 1 पूरी कितनी हो गई, कितने हो गए 2 और 1 कितने हो गए, बताओ अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। आप BG बताओ BG करनी है हमें क्या, तो BG की तो BG BE कितनी दे रखी है 9/2/3 3 को BG से क्या तो 3 BG हो गई, 9 × 2 = 18 गुणाए तो BG = 18/3 काटो कितनी बार बताओ BG कितनी आ गई, कहाँ है BG, ये आगे 6 आगे ना, अब ये 6 है तो ये कितने जाएगा बताओ 3 हो जाएगी ना, पूरी 9 हो गए और 9 ही तो पता नहीं। अब लास्ट कौन सी बती CF कहाँ है बताओ CF, ये रही CF पूरी पूरी चाहिए। अब यहाँ भी ऐसा ही करना है देखो, बताओ पहले तो अनुपात दे लो क्या नाम है, इधर तो होगा 2 और इधर होगा 1 CG/FG क्या लिखोगे CG/FG अनुपात कितना होता है 2:1। हमें ज्ञात क्या करनी है CF करनी है पूरी लाइन करनी है। अब बताओ पूरी लाइन दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी ना, बताओ यहाँ FG का मान दे रखा है, पहले CG ज्ञात कर लो, पहले क्या कर लो CG और CG में क्या जोड़ देंगे FG, तो पूरी लाइन आ जाएगी, क्या वहां चेंज कर दो, क्या चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले लिखो बताओ CG का मान कितना है, कुछ नहीं है, क्या करनी है क्या करनी है तो क्या लिखोगे CG/FG कितनी है 4.5 FG आके 4.5 बराबर 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इससे और इसको इसको करो क्या आएगा 4.5 का डबल कितना हो जाएगा 4.5 हो गया ना, हो गया 9 बताओ बेटा ये लाइन कितनी आई 9 ये कितनी है 4.5 हमें पूरी चाहिए कौन सी CF CF चाहिए ना ये आई तो बताओ दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे क्या नाम है CF बताओ किस किस से मिलकर बनी है एक तो CG से और FG से
सी जी प्लस एफ जी। सी जी का मान अभी कितना आया? प्लस एफ जी का मान कितना है? कितना है? 4.13.5।